दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कोई भी वीडियोस देख के आप खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस तरीके का या किसी भी तरीके का कोई बीमारी होता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड करें। नमस्ते दोस्तों, देखिए हमारे स्किन के ऊपर जब कोई स्किन का डिजीज या स्किन का बीमारी होता है तब उनमें हमें खुजली हो सकता है, लेकिन ऐसा भी एक बीमारी है जो बहुत ज्यादा खुजाने की वजह से हमारे स्किन के ऊपर तैयार होता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, इस बीमारी का नाम है LSC या लाइकेन सिंप्लेक्स क्रोनिकस। ये बीमारी बहुत ही कॉमन है, मेरे पास 100 में से 5 से 6 पेशेंट्स इसी बीमारी को लेके आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि इस बीमारी को आप लोग पहचान सके और इसको होने से रोक सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बीमारी हमें क्यों होता है, देखिए जब किसी पेशेंट में उनके किसी एक्सेसिबल एरिया ऑफ स्किन में यानी हमारे स्किन के जिन जगहों में हमारे हाथ बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं वहां पे ऐसा कोई क्रॉनिक स्किन का बीमारी होता है जिसमें बहुत दिनों तक बहुत ज्यादा खुजली हो सकता है, जैसे सोचिए एटोपिक डर्मेटाइटिस या पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन इत्यादि, तो वहां पे यानी स्किन के उस जगह में कॉन्टिन्यूअस स्क्रैचिंग रबिंग यानी बहुत दिनों तक खुजलाने या बहुत दिनों तक उस जगह को घिसने की वजह से वहां के जो स्किन होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटा यानी थिक हो जाता है, वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है और वहां पे एक लाइकेनिफाइड प्लाक तैयार होता है। लाइकेनिफाइड जो वर्ड है उसका मतलब है थिक एंड लेदरी, तो इसके वजह से उस जगह पे हमें ये बीमारी यानी लाइकेन सिंप्लेक्स क्रोनिकस होता है। ये बीमारी महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा पाया जाता है और 30 से 50 साल की उम्र में ये मोस्ट कॉमनली हमें होता है। ये हमारे गर्दन में, हमारे पीठ में, हाथों में, पैर में और कभी कभी जेनिटल एरियाज में हो सकता है, जो जगह बहुत आसानी से एक्सेसिबल होते हैं यानी कि जहां पे कॉन्टिन्यूअसली बहुत दिनों तक रबिंग या स्क्रैचिंग पॉसिबल है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि स्किन के उन एरियाज में अगर हमें ऐसा कोई बीमारी होता है, क्रॉनिक स्किन डिजीज होता है जिनमें बहुत ज्यादा खुजली रहता है, जिसमें कॉन्टिन्यूअसली बहुत दिनों तक स्क्रैचिंग या रबिंग हम करते हैं, तो वहां पे ये बीमारी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्किन के उन एरियाज में पहले से कोई भी स्किन का बीमारी नहीं है, सिर्फ साइकोजेनिक इचिंग की वजह से वहां पे लाइकेन सिंप्लेक्स क्रोनिकस हो सकता है। साइकोजेनिक इचिंग का मतलब है कि कोई स्किन का डिजीज नहीं है लेकिन किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या साइकियाट्रिक बीमारी की वजह से वहां पे कुछ भी पैदा होता है और हम उस एरिया को स्क्रैच या रब करते हैं कॉन्टिन्यूअसली। तो इस बीमारी के बारे में किसी दूसरे वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि कैसे इस बीमारी को हम लोग पहचान सकते हैं। उन पेशेंट्स में इस कॉन्टिन्यूअस ईच स्क्रैच साइकिल की वजह से सबसे पहले तो उस स्किन के एरिया में थोड़ा सा रेडनेस होता है जो फिर धीरे धीरे चला जाता है और उसके बाद वहां के जो स्किन होते हैं उसके ऊपरी सतह बहुत ज्यादा थिक यानी मोटा हो जाता है और लेदरी दिखने में हो जाता है। उसके ऊपर का जो सतह है वो बहुत ज्यादा खुरदुरा यानी रफ हो जाता है और इसके साथ वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है यानी वो जगह काला हो सकता है। और इस बीमारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हमारे स्किन में जो नॉर्मल क्रिस क्रॉस एक पैटर्न रहता है, इस बीमारी में वो पैटर्न बहुत ज्यादा एक्सेंचुएटेड हो सकता है यानी वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, जिसको देख के हम बहुत आसानी से इस बीमारी को दूसरे बीमारियों से अलग कर सकते हैं। लेकिन इस बीमारी को हमें फ्रिक्शनल हाइपरकिराटोसिस से अलग करना होगा, जिसमें क्या होता है काम करते करते हमारे स्किन के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से वहां के स्किन काले और मोटे हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमनली हमारे एल्बोज में हो सकते हैं, हमारे नी में हो सकते हैं, हमारे एंकल में हो सकते हैं, हमारे हाथों के जो नकल पैड्स है वहां पे हो सकते हैं, लेकिन इस बीमारी में कोई भी खुजली नहीं रहता है। नॉर्मली तो इस बीमारी को हम लोग क्लिनिकली देख के ही डायग्नोसिस करते हैं, इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में कुछ सिमिलर दिखने वाले बीमारी जैसे कि लाइकेन प्लैनस हाइपरट्रॉफिकस, सोरियासिस, लाइकेन एमाइलॉइडोसिस, ऐसे कुछ बीमारियों से इस बीमारी को अलग करने के लिए हमें स्किन बायोप्सी करने की जरूरत पड़ सकता है, लेकिन ये हमें यूजुअली करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत रेयरली ही इसका जरूरत पड़ता है। तो चलिए आप जानते हैं कि कैसे हम इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेशेंट का अच्छी तरीके से काउंसिलिंग करना। पेशेंट को इस बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से समझाना होगा और बताना होगा कि ये बीमारी क्यों होता है और कैसे इसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि अगर पेशेंट्स कॉन्टिन्यूअस स्क्रैचिंग या रबिंग को बंद नहीं करेंगे तो ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकता। ये जो कॉन्टिन्यूअस इचिंग है यानी बहुत ज्यादा खुजली होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामाइन खाने का दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं,
और कंटिन्यूअस इचिंग और स्क्रैचिंग की वजह से वहां पे कभी कभी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक खाने का दवाई और एंटीबायोटिक पिंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाने के बाद हम लोग वहां पे वो जो लेदरी थिक स्किन का जो रैश है उसको ठीक करने के लिए टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ जिस बीमारी की वजह से हमें लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस होता है, यानी जो इनिशियल बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा खुजली पैदा होता है, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस या पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन या साइकोजेनिक इचिंग, तो उस बीमारी को ठीक करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें उन पेशेंट्स को कभी कभी, अगर साइकोजेनिक इचिंग की वजह से हमें लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस होता है, तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजने की जरूरत पड़ सकता है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर सच में अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।